दोस्तों फाइनली आईपीएल 2021 का ऑक्शन 18 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स की कंफर्म लिस्ट बताएंगे, जहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी फेवरेट टीम कितने प्लेयर्स को खरीद सकती है और कौन कौन से प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में टारगेट करने वाली है। तो ऑल ओवर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बिग बैश लीग के सभी मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स की कंफर्म लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में। तो इस टीम के पास 19.90 करोड़ का काफ़ी बेहतरीन पर्स बैलेंस अवेलेबल है, जिसमें ये टीम 6 प्लेयर्स को खरीद सकती है और एक विदेशी खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर सकती है। तो विदेशी खिलाड़ी के रूप में ये टीम स्टीव स्मिथ को टारगेट करेगी। वहीं इंडियन में मोहित शर्मा और कृष्णप्पा गौतम को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और इस टीम के पास 10.75 करोड़ का पर्स बैलेंस है, जिसमें ये टीम 2 विदेशी खिलाड़ी को खरीद सकती है। तो ये टीम मिचेल स्टार्क और मोजेज हेनरिक्स जैसे बड़े नाम को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल के ऑक्शन में ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और इस टीम के पास 12.90 करोड़ का पर्स बैलेंस अवेलेबल है, जिसमें ये टीम 6 प्लेयर्स को खरीद सकती है, जिसमें से 4 इंडियन वही 2 विदेशी खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर पाएगी। तो ये टीम बेन कटिंग और मैथ्यू वेड को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी, क्योंकि इस टीम ने एलेक्स कैरी को बाहर कर दिया है तो उनके स्थान पर मैथ्यू वेड को टारगेट करेगी। वहीं इंडियन प्लेयर में उन्मुक्त चंद, रजनीश गुरबानी जैसे प्लेयर्स को आईपीएल के ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है किंग्स 11 पंजाब की टीम, और इस टीम के पास 53.20 करोड़ का सबसे बड़ा पर्स बैलेंस अवेलेबल है, जिसमें से इस टीम को 9 प्लेयर्स को खरीदना है और 4 इंडियन वही 5 विदेशी प्लेयर को पंजाब की टीम खरीद सकती है। तो ये टीम मिचेल स्टार्क, एलेक्स हेल्स, मैट हेनरी, मुस्ताफिजुर रहमान, सोन मार्स जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी, और आईपीएल के ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग्स 11 पंजाब की टीम होगी और इस टीम के पास सबसे बेहतरीन स्क्वाड बन सकता है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और इस टीम के पास 35.90 करोड़ का पर्स बैलेंस है, जिसमें से ये टीम 13 खिलाड़ी को खरीद सकती है, जिसमें से 4 विदेशी खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर पाएगी। तो ऐसे में ये टीम मिचेल स्टार्क, मार्क वुड, डेविड मलान, ग्लेन मैक्सवेल और साकिब अल हसन को आईपीएल के ऑक्शन में टारगेट करेगी, जिसमें 100% मैक्सवेल को अपने स्क्वाड में खरीद लेगी और साथ ही साथ मिचेल स्टार्क और साकिब अल हसन को अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की अगली बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, और इस टीम के पास 15.35 करोड़ का पर्स बैलेंस है, जिसमें से ये टीम 7 प्लेयर्स को खरीद सकती है, जिसमें से 4 विदेशी खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर पाएगी। तो ऐसे में मुंबई की टीम काइल जेमिसन, कार्लोस ब्रैथवेट और तनवीर सांघा को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है और मुंबई का स्क्वाड ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है सनराइजर हैदराबाद की टीम, और इस टीम के पास 10.75 करोड़ का पर्स बैलेंस है,
है और इस टीम को सिर्फ 3 प्लेयर्स को खरीदना है, तो ऐसे में हैदराबाद की टीम मार्टिन गप्टिल और साकिब अल हसन को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी और 3 प्लेयर्स के लिए 10,75,00,000 का पर्स बैलेंस हैदराबाद के पास काफ़ी बेहतरीन रकम अवेलेबल है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम और इस टीम के पास 37,85,00,000 का पर्स बैलेंस है, जिसमें से इस टीम को 8 प्लेयर्स को खरीदना है, जिसमें से 5 इंडियन वही 3 विदेशी खिलाड़ी को राजस्थान की टीम खरीद सकती है। तो ऐसे में श्री संत, जेपी ड्यूमनी, डेविड मलान, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और जेसन रो जैसे बड़े प्लेयर्स को राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने स्क्वाड में टारगेट करेगी। तो यही था सभी 8 टीमों के टारगेट प्लेयर्स की कंप्लीट लिस्ट। और अगर आप सभी टीमों के अलग अलग ऑक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस टीम के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होगा उस टीम का ऑक्शन स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ऑल ओवर यही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, और साथ ही में बिग बैश लीग के प्रेडिक्शन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।